जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पासा डाइस। आइए शुरू करते हैं। पासा जिसमें तीन सतह दिखाई देती हैं और तीन सतह छिपी रहती हैं। सामने एक मतलब अगर फ्रंट दिखाई देगा तो बैक छिपा रहेगा, ऊपर तो सर ऊपर दिखाई देगा तो नीचे का छिपा रहेगा, बायां दिखाई देगा तो दाहिना छिपा रहेगा। जैसे सामने का ये है, अगर ये पोर्शन आपको दिखाई देगा तो इसके बैक वाला इसका पोर्शन नहीं दिख रहा, मतलब सामने का दिख रहा है पीछे का नहीं दिख रहा है। ऊपरी सतह अगर ये दिखेगा, ऊपरी सतह ये है, ये सतह दिखेगी तो नीचे की सतह नहीं दिखाई देगी। और बाएं का मतलब लेफ्ट का सतह ये दिखेगी, देखिए आप लोग लेफ्ट की सतह दिख रही है तो राइट की सतह नहीं दिख रही है, तो राइट सतह नहीं दिख रही है। आइए पासा को हम लोग समझते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा, दूसरा मानक पासा। साधारण पासा वह पासा होता है जिनके दो पड़ोसी सतहों का योग साथ हो, वो साधारण पासा होते हैं। मानक पासा जिनके जो विपरीत सतहों का योग साथ हो वो मानक पासे होते हैं। और मानक पासे में जो होता है विपरीत सतहों का योग फिक्स होता है। अगर एक है एक विपरीत कन्फर्म 6 आएगा, दो है दो विपरीत 5 आएगा। लेकिन जो साधारण पासा है उन पासों में सतहों की संख्या फिक्स नहीं होती है। आइए इसको देखते हैं। यही दिया हुआ, किसी भी दो पासे विपरीत सतहों का योग साथ हो। मानक पासे में विपरीत सतहों की संख्या फिक्स होती है लेकिन इसमें फिक्स नहीं होती है। आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें एक है, एक दो तीन, तो इसमें विपरीत सतह का योग फिक्स है कि विपरीत सतह यहीं आएगी। एक के विपरीत क्या आएगा, दो विपरीत सतहों का योग अगर इनमें जोड़ा जाए, दो सतहें जोड़ी जाए तब 7 बनेगा। तो एक के विपरीत क्या आएगा, 6 फिक्स है तभी तो 7 बनेगा। एक के विपरीत क्या आएगा, 6। इसको ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। और दो के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत 5 जोड़ा जाएगा तभी 7 बनेगा। तो दो के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, 5 विपरीत 2 आएगा। और फिर तीन के विपरीत क्या आएगा, तीन के विपरीत 4 आएगा तभी 7 बनेगा। तीन के विपरीत 4, 4 के विपरीत 7। और इनको देखिए पड़ोसी सतहों का अगर जोड़ा जाए तो ये साधारण पासे नहीं बनेंगे। देखिए तब 7 नहीं हो रहा तो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं होगा। देख लेते हैं, जैसे 1 प्लस 2 नॉट इक्वल टू 7, नहीं बन रहा है। 2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 7, नहीं बन रहा है। 1 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 7, ये देखा हो गया हमारा मानक पासा। आइए साधारण पासे को समझते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें दिया है एक सतह, एक सतह 2 हो गई, एक 5 हो गई, एक 3 हो गई। इसमें देखिए दो पड़ोसी सतहों का योग फिक्स है कि देखिए दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। और इसमें अगर पूछ लिया जाए इसके विपरीत 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं होगी। 5 विपरीत, 5 विपरीत जिसमें नहीं दिख रहा वो भी हो सकता है। जैसे इसमें 5 के विपरीत हो सकता है 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और वही चीज़ इस पर अप्लाई होगी, इसमें भी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें भी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। आइए इसको देखते हैं। दो विपरीत पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो 7 हो रहा है, 2 प्लस 5 बराबर 7, ये हो रहा है। अब तीन के विपरीत पूछ लिया जाए इसका इसका कोई फिक्स मान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में, आगे समझे सेकंड टाइप में इसको समझेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है तीन के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो मतलब ये मानक पासा है। तो तीन के विपरीत पूछा है तो तीन में क्या जोड़ेंगे कि 7 बन जाए, 4 जोड़ेंगे 7 बनेगा तब बराबर 7 होगा, तीन के विपरीत 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इसमें 5 के विपरीत जैसे पूछ लेता, 5 के विपरीत क्या है, तो हम लोग 5 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, 2 जोड़े तभी 5 विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। और इसमें पूछ लिया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत देख लिया जाए, देख लेंगे 6 के विपरीत 1 जोड़ा जाएगा तभी 7 बनेगा, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया 1 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 विपरीत संख्या निकालना है। तो देखिए इसलिए हम ये भी हमारा मानक पासा है, ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा है हमारा। इसमें क्या कहा, 1 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए 1 के विपरीत संख्या निकाल लेते हैं। 1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 बन जाएगा, तो 6 1 विपरीत 6। 2 के विपरीत पूछा गया, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4 हो जाए, सॉरी 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 विपरीत 2 हो जाएगा। और 3 के विपरीत पूछा जाए क्या होगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। आइए सेकंड टाइप को चलते हैं।
एक ही संख्या कॉमन हो और दो, जैसे दो फिगर दिया हो उसमें एक संख्या कॉमन हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इसको। जैसे इसमें इसमें दिया है, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, फाइव दिख रहा है दोनों में कॉमन। चाहे आप क्लॉक वाइज चलें हम, या चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलें, आइए हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्लॉक वाइज चलते हैं, तो पाँच के बाद यहाँ देखिए आ जाते हैं। क्लॉक वाइज चलने के बाद पाँच के बाद क्या आ रहा है, एक आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, दो आ रहा है। और फिर देखिए फिर यहाँ से क्लॉक वाइज चलते हैं, तो पाँच के बाद क्या आ रहा है, पाँच के बाद क्या आ रहा है, छः आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, चार आ रहा है। इसमें क्या पूछा है, पाँच विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो पाँच विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए पाँच के बगल क्या हो रहा है, एक भी आ जा रहा है, दो भी आ जा रहा है, चार भी आ जा रहा है, छः भी आ, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, तीन नहीं आ रहा। पाँच विपरीत क्या कौन सी संख्या होगी, तीन होगी। तो हमारे ऑप्शन में कहाँ है, ये है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया यदि निचली सतह पर तीन है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो ये ऊपरी सतह है, ये है, तो ये ऊपरी सतह है, लेकिन निचली सतह लेकिन नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमें, इसमें कॉमन हम लोगों को दो दिख रहा है। तो आइए हम लोग चाहे क्लॉक वाइज चलें चाहे एंटी क्लॉक वाइज चलें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग पहले क्लॉक वाइज, हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या जैसे आपकी इच्छा कहे एंटी क्लॉक वाइज भी चल के आप कर सकते हैं, आंसर वहीं आएगा। तो देखिए दो, दो के बाद क्या है, तीन, तीन के बाद एक। आइए यहाँ पर दो, दो के बाद क्या है, चार, चार के बाद क्या है, पाँच। क्या पूछा है, यदि निचली सतह पर तीन है तो ऊपरी सतह पर क्या होगी। निचली सतह पर तीन है तो ऊपरी सतह पर क्या होगी, चार होगी। ये देखिए ये निचली सतह ये है, इसको चाहे ऊपर या नीचे कर लीजिए, बात देखिए निचली सतह पर तीन, ऊपरी सतह पर क्या होगी, चार होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसमें पूछा होता यदि निचली सतह पर पाँच है तो ऊपरी सतह पर क्या होता, तो ऑप्शन इसका होता एक होता। और इसमें जैसे पूछ लिया, वैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए यदि निचली सतह पे दो हो, दो है तो ऊपरी सतह पे क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, इसमें तीन है, एक है, पाँच है, चार है, लेकिन क्या नहीं है, छः नहीं है। तो क्या होता इसका, इस एज पूछ लेता तो इसका आंसर छः होता। आइए अगले टाइप की ओर चल, तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है, जब दो संख्या कॉमन हो। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें देखते हैं जो दो कॉमन है उसको पहले पकड़ते हैं। ये देखिए इसमें क्या कॉमन है, दो तीन इसमें कॉमन है, दो तीन इसमें कॉमन है, तो सीधा समझ में आ गया एक के विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। अगर इसमें पूछ लेता दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत हो जाता, दो के विपरीत जितना नहीं आ रहा है, तीन भी हो जाता, चार भी हो जाता, पाँच भी हो जाता, कुछ भी हो जाता दो के विपरीत, ठीक है। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विपरीत क्या होगा, एक विपरीत पूछा है। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, हमारा बी है और एफ है, इसमें बी और एफ कॉमन है, इसमें बी और एफ कॉमन है, और क्या नहीं कॉमन है, ये दोनों नहीं कॉमन है। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही है। और जैसे इसमें अगर इसमें पूछ लेता तो बी के विपरीत क्या हो जाता, बी के विपरीत क्या हो जाता, बी के विपरीत क्या हो जाता, सी भी हो जाता, एफ भी हो जाता। और पूछ लेता ए के विपरीत क्या होगा, हो जाएगा, इसमें भी सी हो भी हो जाता, एफ भी हो जाता, ठीक है। तो चौथा टाइप दिया है, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, इसी को हम लोग नो कॉमन ट्रिक बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि तीन के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तीन के विपरीत देखिए इसमें हम लोगों को कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको नो कॉमन ट्रिक बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इसमें ये कौन सा पास है, दोनों बगल से पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक, दोनों जो है मानक पासे हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, अब हम लोग निकाल लिया कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। तीन है तो तीन के विपरीत क्या पूछा है, तीन में हम लोग अगर चार जोड़ेंगे तभी तो सात होगा, हैं, तो तीन के विपरीत चार होगा। और जैसे पूछता दो के विपरीत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लिए हैं कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो दो के विपरीत क्या होगा, पाँच होगा, तभी तो सात होगा, दो के विपरीत सात। और इसे पूछ लेता छः के विपरीत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो छः के विपरीत क्या होता है, एक होगा, तभी तो सात होगा, हम लोग निकाल लिए कि मानक पासा है। आइए इसमें देखते हैं तो दो के विपरीत क्या होगा, और मानक पासे में क्या हमने बताया था, आप लोग जाके पीछे बैक जाके देखिएगा
उसमें हमने क्या कहा, मानक पाथे में जो होता है विपरीत संख्याओं का योग मतलब फिक्स होता है, लेकिन साधारण पाथे में फिक्स नहीं होता। ये देखते हैं कौन सा पाथा है, दो पड़ोसी सतहों का योग साथ हो रहा है, इसमें भी इसमें भी, तो ये क्या कौन सा पाथा है, ये साधारण पाथा है, साधारण पाथा है। और इसमें हमने क्या बताया था, इसका जो जो विपरीत सतहों का मान फिक्स नहीं होता। तो आइए इसमें देखते हैं, इसका ये, इसमें ये कॉमन हो जाएगा, इसमें ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, दो को विपरीत चार हो जाएगा, लेकिन 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 अगर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, अगर जैसे आपको ऑप्शन में दे देता एक दो छः के विपरीत, कुछ भी पूछ लेता, एक या दो छः के विपरीत पूछ लेता, तीन चार पाँच, तो हमारा अगर दो के विपरीत पूछा, अगर ऑप्शन में चार पाँच छः दिया होता तो हम क्या क्लिक करते, ये वाला ऑप्शन चार पाँच छः। अगर एक विपरीत पूछ लेता क्या होगा, क्या हम लोग क्या करते, तीन चार पाँच ये वाला ऑप्शन होता, तब यही ऑप्शन हम लोग टच करते। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था जो साधारण पासा होता है उसमें जो जो विपरीत सतहों का योग होता है वो मान फिक्स नहीं होता। कि मतलब जैसे मानक पासा में क्या रहता था, अगर मानक पासा में क्या रहता था, इन दोनों का योग विपरीत सतहों का योग फिक्स होता है, मतलब तीन अगर है तो विपरीत सतहों का योग चार होगा तभी सात बनेगा, लेकिन साधारण पासे में ये चीज़ फिक्स नहीं होता। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके बताइएगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।